हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह यादव हैं। सर, लगातार सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी हो रही है जिससे विवाद हो रहा है। अब तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के सिद्धांतों के विरोध में ही इंडिया गठबंधन बना है, हमारा उद्देश्य यही है कि इसका विरोध किया जाए, इसका विरोध करने के लिए हम लोग एक मंच पर आए हैं। और इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं सब सनातन विरोधी हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं। तमिल के कितने बड़े ज्ञाता इस देश के सर्टेन प्लेटफॉर्म हो गई है, हमें कभी कभी हंसी भी आती है और तरस भी आता है। दास्ता की बेड़ियों की एक सीमा होती है, हम तो साफ शब्दों में कहते हैं सनातन निम्नता और श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है, संभव है। सनातन छुआछूत नहीं बताता। जो विकृतियां हैं, कई समाज सुधारकों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और समाज सुधार की दिशा में काम की, लेकिन तमिल में दिए गए बयान को खंड खंड कर करके अलग तरीके से परोसी जा रही है। ये विविधता में एकता वाली देश है और सभी दल उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, हम संविधान के मानने वाले हैं और संविधान क्या कहता है, सबके आदर की बात। नफरत फैलाती है भाजपा, गैर संवैधानिक आचरण अख्तियार करती है भाजपा, धर्मों में विवाद पैदा करती है, एक दीवार खड़ा करते हैं, नफरत की खेती करते हैं, समाज में तो जहर फैला दिया। मुद्दा से अलग जाना चाहते, मुद्दा महंगाई ना है, धधकती हुई बेरोजगारी है ना देश के अंदर में, तार तार होती अर्थव्यवस्था ना है, भय का वातावरण है, कोई अगर जनहित की बात उठाता उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। बिहार में तो आप लोग नीतीश जी के साथ सरकार चला रहे हैं, ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नीतीश को पीएम मटेरियल बताया है, कहा है कि उनमें देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। अच्छा एक बात बताइए, जो राष्ट्र चलाया हो, राज चलाया हो, इंडिया का गठबंधन में कितने लोग हैं जो सबके अंदर पात्रता की कोई कमी ही नहीं है? जो वर्तमान में अभी देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे सैकड़ों लोग इंडिया गठबंधन में पढ़े लिखे ही नहीं, काबिल लोग भी हैं। नीतीश जी वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, केंद्र और राज्य चलाने का अनुभव है, क्या किसी के पात्रता पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है? क्या इस इंडिया गठबंधन में कई मटेरियल हैं, लेकिन एक बात तो है, सामूहिक निर्णय, इंडिया गठबंधन के जो सामूहिक निर्णय होंगे वो लोकतंत्र के हित में होंगे, देश के हित में होंगे, युवा के हित में होंगे, किसान के हित में होंगे, बेरोजगारों के हित में होगा, मजदूरों के हित में होगा। हम इसको लेकर के आगे बढ़े, हमारा कोई निजी या व्यक्तिगत आकांक्षा इस इंडिया गठबंधन का कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा उधर एक तो पीएम मटेरियल बता रहे हो, अलग चीज है, लेकिन नीतीश कुमार G20 डिनर में दिल्ली में पीएम मोदी से बहुत गर्मजोशी से मिले, पीएम मोदी ने उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से कराई, तो फिर कई तरह के कयास लग रहे हैं। हमें तो हैरानी है इस देश के तथाकथित व्याकुल दास्ता में बंधे हुए कुछ लोगों की। भाजपा कितनी भयभीत है समझ में आ रहा है, फोटो ट्वीट कर रहे हैं। अरे संवैधानिक कर्तव्य है, G20 में सब लोग जुटे, सब आमंत्रित थे राष्ट्रपति जी की तरफ से भोज में, इसके राजनीतिक माने? वो बाइडेन से मिल रहे हैं कि और देश के राष्ट्राध्यक्षों से, किससे मिल रहे हैं, भोज पर गए हैं, ट्वीट करने से क्या होगा? जब इतना ही ट्वीट कर रहे थे तो बात की बात तो हम नहीं कहना चाहते। ये उनकी परेशानी का प्रकटीकरण है, भाजपा डूबेगी 24 में, जन विश्वास खोया है, जन आकांक्षा को धोखा दिया है, जनादेश का अपमान किया है, देश के साथ छलावा किया है, देश के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ। देश की जनता माफ करेगी? 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, देश ने ठान लिया है, अब की बार भाजपा तड़ी पार। तो ये थे तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करते हुए शक्ति सिंह यादव, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News पटना।